ओके वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से मैं कोई आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। जो लोग नए हैं, जिनका आज फर्स्ट ये सेशन है, उनको मैं ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि ये एनएलसी एंड आईपैट एग्जाम के रिगार्डिंग थर्मल के जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, उसमें आज ही अपना 10th सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 9th क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, क्लियर। एंड ये आज जो अपना सेशन है ये 10th सेशन है। और आज इस सेशन में हम लोग जैसे जो पुराने लोग हैं जो कंटिन्यूसली इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि जैसे लास्ट सेशन में हम लोग मैनोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम लोग मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। एंड मैनोमेट्री एंड देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस ऑन प्लेन एंड कर्व सर्फेसेस को देखेंगे, जो सबसे यहाँ का क्रिटिकल टॉपिक है। एंड देन फिर सबसे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी फिजिक्स ऑफ द बॉयंसी एंड मेटा सेंटर, क्लियर, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं जल्दी से, आज स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। बाकी अपने दोस्तों को भी जल्दी से बोल दो आए जुड़े, क्लियर। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बढ़ते हैं तो थोड़ा माहौल बनता है फिर, क्लियर। तो जल्दी से बोलो कोई बाकी लोगों से भी और जुड़े, क्लियर। तो ये जो सीरीज है ये ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल ब्रांच में ही रन हो रहा है, ये आपका सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके ब्रांच है उसमें भी आपका ये सीरीज चल रहा है आईपैट एंड एनएलसी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो सिविल से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो उसको भी इन्फॉर्म कर दो कि वो आके यहाँ पर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, क्लियर। एंड अपने एग्जाम के जो वर्स्ट कंडीशन है, जैसे बाहर या लॉकडाउन कंडीशन हो रखी है, क्लियर, तो इस कंडीशन में भी अपनी वो स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, क्लियर। तो प्लीज अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो। तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है कि 60 डेज का जो ये लॉन्ग शेड्यूल है आईपैट एंड एनएलसी एग्जाम के रिगार्डिंग, क्लियर, iPad and NLC, तो ये कंप्लीट मैं आपको डिस्कस कर रखा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितना अपन टाइम जो है वो देने वाले हैं, क्लियर। तो ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन उसमें दे रखा है, करा रखा है आपको, क्लियर। एंड एयर इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माई टीचिंग करियर एज वेल एज माई क्वालिफिकेशन, क्लियर। आई एम अमित मौर्य एंड आई हैव टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर इन द फील्ड ऑफ गेट एंड एससी। पहले 7 ईयर से मैं कंटिन्यूसली गेट एंड एससी में क्लासेस लेता हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर फ्रॉम IIT मुंबई, क्लियर, इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग विद ड्रीम CGPI 9.2 आउट ऑफ आई स्केल ऑफ 10, क्लियर। एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में वर्ल्ड के टॉप जो रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं उसमें मैंने अपना पेपर पब्लिश किया है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका पेपर कहाँ पर है, कैसा है या टॉपिक आपका क्या है, तो ये मेरा रिसर्च पेपर है दोस्त, फिर ये आप एक्सेस कर सकते हो। टॉपिक इज ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर्स, क्लियर। एंड ये हमारा जो जर्नल है ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में पब्लिश है, टॉप उसमें पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिशर है, क्लियर। तो ये आप जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो वहां पर आपको करना क्या। जैसे YouTube पे ये सेशन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सेशन जो हैं वो अनअकैडमी प्लस ऐप पे या उस पर प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे हैं। जैसे मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 20,000 प्लस जो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हुई इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू, क्लियर, जो आपकी पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो जाके आप वहां पर देख सकते हो। मैंने भी बहुत सारी क्लासेस वहां पर ली है स्पेशल क्लासेस और बढ़िया डिटेल में वहां पर चल रहा है सब कुछ, क्लियर, तो वो आप मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो अगर मेरी क्लासेस आपको देखना है तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे फॉलो करना है एंड आपको सर्च करना है अमित कुमार। जैसे अभी अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो अभी नीचे से मिलेंगे हम, क्लियर। तो आपको सर्च करना है एंड देन मुझे फॉलो करना है। तो जैसे ही आप फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है, लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैसेज
या आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपकी लाइव क्लास मिस नहीं होती है। एंड लाइव में आइए, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है, बहुत सारे बच्चे आते ही हैं तो लाइव में, प्लस में बढ़िया डिटेल में सारी कहानी चलती रहती है, तो एक अलग ही फील आता है। फिर तो जैसे और सब्सक्रिप्शन बेस प्लान की बात करें, तो बहुत सारे बच्चों का माइंड में डिलेमा होता है कि नहीं बहुत महंगा होगा एंड समथिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेस होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, अगर आप देखोगे तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, 12 मंथ एक साल का, क्लियर, एंड ये जो है ये 25,000 का है, ओनली 25,000। उसके बाद फिर से अगर आप मेरे इस कोड को यूज कर दो AMYT, क्लियर, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500। बहुत सारे बच्चे बोलते थे मैं आप ही का कोड क्यों यूज करूँ, नो डाउट दोस्त, तो आप किसी का भी कोड यूज करो, जैसे बहुत सारे आपका कोड यूज क्यों करूँ, या अगर आपका कोड यूज करो तो बाकी सब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी का भी कोड यूज करो, सारी एजुकेटर की क्लासेस जो हैं आप वहाँ पर देख सकते हो, क्लियर, एंड जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो तो एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि थर्मल का जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं मैक्सिमम 5 to 6 सब्जेक्ट जैसे हर एक साल ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो पहले 7 साल से मैं लेता हूँ ESC का जो पेपर 1 होता है टेक्निकल थर्मल का, और आपको भी पता है थर्मल का वेट कितना होता है एग्जाम में, ESC में या GATE में या इंटरव्यू में कितना थर्मल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्लियर, एंड पूरा का पूरा मेरा जो डोमेन है वो थर्मल से ही है, क्लियर, थर्मल से ही मेरा मास्टर्स भी है, उसी में रिसर्च भी है, क्लियर। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मैं आपका यहाँ पर सपोर्ट कर सकता हूँ या हेल्प कर सकता हूँ अगर आप इस कोड को यूज करते हो थर्मल में, जितना मुझसे हो सकता है, क्लियर, और एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करूंगा। एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इशू होता है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप 7073442604, क्लियर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। देन अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से अगर आप देखना चाहते हो चीज़ों को और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एंड फाइनेंशियल लोड भी उतना नहीं आएगा, जैसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 25,000 का है, तो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान को अगर आप देखो तो ये ऐसा नहीं कि 50,000 का पड़ेगा, ये और लेस हो जाता है, और लेस हो जाएगा। जैसे आप अगर देखोगे तो 1 ईयर का 25,000 का था, 2 ईयर अगर देखो तो 50,000 का होना चाहिए था, बट नहीं, ये आपका जो है ये 30,000 का पड़ेगा। और अगर आप मेरे इस कोड को यूज करते हो AMYT, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा, 27,000, तो ये जो है ये 27K का पड़ेगा और ये जो है ये 22.5K का पड़ेगा, क्लियर। तो अगर इसमें आप 1 मंथ की कॉस्ट ऐड कर देते हो, यानी 4.5 की अगर ऐड कर देते हो, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, 1 ईयर एक्स्ट्रा, क्लियर, 4,500 में 4,500 में 1 साल और आप एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियर। तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो ये सीरीज है 60 डेज की, क्लियर। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा था, तो पहला लेक्चर आप देख लेना, और ये वो सिलेबस है जो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। चलिए, तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे इस सीरीज को देख रहे थे उनको आइडिया है कि जैसे अपन पहला सब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, और जो लोग नए हैं उनको तो हम मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स अपन डिस्कस कर रहे थे, तो मैनोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, उसी को अपने को आज क्या करना है, कॉन्टिन्यू करना है। तो आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सेकेंड चैप्टर जितना मैक्सिमम हो जाए उतना बाइंड अप कर देते हैं, क्लियर, एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचेगा और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन प्लान कर लेंगे। तो आज मैक्सिमम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से बात करें मैनोमेट्री की, तो मैनोमेट्री में 2 डिवाइसेस जो थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। मैनोमेट्री 2 डिवाइस हमने कौन कौन से किए थे, एक हमने बैरोमीटर का लिया था, दूसरा हमने पीजोमीटर का लिया था, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे मैनोमीटर होते हैं, मैनोमीटर, तो मैनोमीटर में सिंगल कॉलम मैनोमीटर पे भी आ सकती हैं या डिफरेंशियल उस पर यूट्यूब मैनोमीटर पे भी चल सकते हैं। तो पहले मान लो सपोज अपन सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करें, सिंगल कॉलम मैनोमीटर
सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर हम बात करें, और इसमें भी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। इसमें भी हम लोग जो देखने वाले हैं वो वर्टिकल कॉलम को देखने वाले हैं, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर को देखने वाले हैं, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो जनरली ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर या मैनोमीटर जो यूज किया जाता है वो किसी सिंगल पॉइंट के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। किसी सिंगल पॉइंट के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज करते हैं। तो डिजाइन कैसे होता है एक बार थोड़ा सा हम लोग डिजाइन करते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई एक वेसल होता है, लार्जर एरिया का कोई एक वेसल होता है, जैसे लार्जर एरिया का जो है एक हमारा वेसल होता है एक लार्ज एरिया का, और इसके बॉटम में हमारा कनेक्टेड होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर यहां कनेक्टेड होता है। क्लियर? यहां पर कुछ ऐसे ये कनेक्टेड होता है। क्लियर? ये हमारा ऐसे हो गया और ये हमारी ट्यूब हो गई। अब देखो यहां पर पहले से ही हमारा कुछ फ्लूइड जो है वो यहां फिल्ड होता है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे पहले से ही हमारा जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां पर फिल्ड होता है। जैसे यहां पर अपना जो है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है ये ऐसे कुछ यहां पर फिल्ड होता है, मैनोमेट्रिक जो हमारा फ्लूइड होता है। क्लियर? ये मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो यहां पर हमारा अफिल्ड है। क्लियर? अब अगर यहां पर हम लोग अगर देखें तो जैसे यहां पर क्या होता है, जैसे बोथ साइड जो होती हैं इसकी ओपन होती है, तो इधर से भी जो प्रेशर हमारा लगता है, इधर भी जो प्रेशर हमारा होता है ये हमारा पी एटीएम होता है, पी एटीएम, और इधर से भी जो प्रेशर लगता है इधर से भी हमारा जो है वो पी एटीएम होता है। दोनों हमारी जो है ये ओपन आर्म होती है, दोनों में प्रेशर पी एटीएम। तो मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन अगर देखोगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। ये हमारा कोई टैंक या रिजर्वायर होता है, मान लो सपोज ये कोई टैंक है या सपोज रिजर्वायर है, ये कोई टैंक या रिजर्वायर है, और ये हमारा सिंगल कॉलम सिंगल वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। ये जो हमारा है ये वर्टिकल सिंगल कॉलम वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। क्लियर? मैनोमीटर है, और यहां पर जैसे मैनोमीटर में है जो अपनी स्केलिंग बनी होगी, ये ऐसे यहां पर जो है वो स्केलिंग डिजाइन होती है, ये ऐसे यहां पर जो है वो स्केलिंग डिजाइन होती है। क्लियर? अब देखो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के प्रेशर को अपने को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं अननोन प्रेशर पॉइंट को, अननोन प्रेशर पॉइंट, अननोन प्रेशर पॉइंट, यहां से हम अननोन प्रेशर पॉइंट को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं जिसके प्रेशर को अपने को मेजर करना होता है। तो जल्दी मान लो सपोज गेज प्रेशर अपने को मेजर करना है, तो कोई पाइपलाइन है जिसमें हमारा गेज प्रेशर है, मान लो कोई पाइपलाइन है जिसमें अपने को गेज प्रेशर जो है वो निकालना है, इसमें अपने को गेज प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट करना है। इस पाइपलाइन में जो है वो प्रेशर जो है वो गेज कंडीशन है, मान लो यहां पर देखा जाए तो यहां पर कंडीशन जो है वो गेज है,
यानी यहाँ पर जो है वो प्रेशर, मान लो सपोज ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ये मान लो पी ए, एंड पी ए ग्रेटर देन जो है ये पी ए टी एम है। इसका मतलब वहां पर जो है वो गेज अ कंडीशन है, इसका मतलब वहां पर जो है वो गेज अ कंडीशन है, गेज अ कंडीशन है। फिर अब इसको देखो कनेक्ट कर देते हैं एक अपने कोई उसी रिजर्वायर से, जो रिजर्वायर है उसे से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये सपोज ऐसे कुछ, क्लियर, यहां से जैसे जो है सो कनेक्ट कर देंगे। बॉटम से कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा ये, और ये वर्टिकल ट्यूब मैनोमीटर हो गया, सिंगल कॉलम वर्टिकल ट्यूब मैनोमीटर। ऐसे कुछ इसको हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेशर हमारा ज्यादा है, तो यहाँ से प्रेशर हमारा कुछ ऐसा, सपोज इनिशियल मान लो कंडीशन जो थी वो इनिशियल कंडीशन ये थी, मान लो ये इनिशियल कंडीशन थी, मान लो सपोज दैट कि ये जो है ये इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बार बार से करवा रहे हैं, और थोड़ा और डिटेल में अगर देखना है तो फिर प्लस कोर्स पे आइए, फिर वहां पर प्रॉपर तरीके से आपका चल रहा है। तो ये जो है ये सरफेस जो है वो नीचे डिप करेगा, तो मान लो ये डेल्टा एस से नीचे आया, मान लो ये डेल्टा एस से नीचे आया तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो गया, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो गया। तो इधर हमारा कुछ राइज होगा, मान लो इधर एच हाइट जो है वो राइज हो गया, इधर जो है एच हाइट जो है वो फ्लूइड हमारा राइज कर गया। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप थोड़ा देखोगे तो जैसे ये वाला फ्लूइड हमारा है जो पाइपलाइन में था, जो मूविंग फ्लूइड था, जो हमारा मूविंग फ्लूइड था पाइपलाइन में, वो फ्लूइड हमारा यहाँ पर पूरा आ जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। और इस रिजर्वायर या टैंक का जो एरिया है, इस टैंक का जो एरिया है ये हमने मान रखा है सपोज कैपिटल ए है, और ट्यूब का जो एरिया है, इस ट्यूब एरिया अगर हम देखें, जो ट्यूब का जो एरिया है ये हम लोगों ने मान रखा है सपोज ये जो है ये स्मॉल ए है। ठीक, एंड फिर यहां से हमने मान लिया कि इनिशियल से सपोज ये जो है ये डेल्टा एच डिस्टेंस जो है वो नीचे आता है, डेल्टा एच डिस्टेंस ये नीचे आता है, और ये यहां से जो है वो स्मॉल एच डिस्टेंस जो है वो ऊपर राइज करता है, स्मॉल एच डिस्टेंस जो है ये ऊपर अराइज करता है। अब देखो यहां पर अगर हम थोड़ा सा समझे दोस्त, तो यहां पर क्या होगा, देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, मान लो सपोज ये डिस्टेंस जो है वो अपनी वाई है। क्लियर, और यहां से ये मान लेते हैं सेंट्रल लाइन से ये मान लेते हैं, या टोटली मान लो, वहां से भी मान सकते थे टोटल, चलो ठीक है, ये अपन ने मान लिया सपोज ये जेड है, यहां से ये जेड है। क्लियर, तो पहले तो यहां पर मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, यहां पर पहले तो मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज कर सकता हूं कि जितना मास यहां पर ये फॉल करेगा, ये टैंक में जितना मास हमारा फॉल होगा उतना ही ट्यूब में जो है ये इधर हमारा उतना अमाउंट ही है क्या होगा, राइज होगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं वॉल्यूम फॉल इन टैंक, फॉल इन अ टैंक या रिजर्वायर, जितना वॉल्यूम फॉल करेगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो उधर क्या होगा, राइज होगा, यानी राइज इन ट्यूब, उतना ही जो है वो उस ट्यूब में जो है वो राइज करेगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो जैसे यहां से क्या निकल आएगा, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच, ये वॉल्यूम फॉल करेगा और उतना ही वॉल्यूम उधर राइज करेगा, तो ये स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई एच हो जाएगा। तो डेल्टा एच यहां से पहले तो निकल के आ जाएगा ए एच डिवाइडेड बाई जो है वो कैपिटल ए। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, यहां का प्रेशर अपना पी ए है, और ट्रेवलिंग मेथड को यूज कर लो जल्दी से,
राइट डाउन कर दो यहाँ पर, लिखो पहले। देखो ए पॉइंट पे है जो प्रेशर हमारा कितना होगा, पी ए एब्सोल्यूट होगा, यानी ए पॉइंट पे अगर हम है, सिंपल सिंपल पॉइंट है बिल्कुल, ये भी सब क्लियर होता हुआ चलेगा, पी एब्सोल्यूट होगा एंड प्लस। अब देखो यहां से यहां तक अगर हम देखें, जैसे मान लो सपोज ये जो हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है इसका डेंसिटी जो है, इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है ये मान लिया सपोज हमारी r रो है। तो देखो ये पॉइंट यहां से अगर लेके हम यहां तक अगर आए, यहां तक आए पहले हॉरिजॉन्टल में, यहां से यहां तक जाए तो हॉरिजॉन्टल में चलने में कोई प्रेशर में चेंजेस नहीं होगा, और फिर देखो यहां से यहां तक अगर देखें तो कॉलम हमारा क्या है, सेम फ्लूइड का है, और कितना कॉलम है ये अपने को पता है, ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एच है, और नीचे आ रहे हैं तो प्लस होगा, तो प्लस हो गया, कितना नीचे आ रहे हैं, वाई प्लस का जेड एंड प्लस का जो है वो डेल्टा एच, और कौन से फ्लूइड के कॉलम में आ रहे हैं, रो एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हम लोग यहां आ गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। अब यहां से डायरेक्ट हम यहां पर जंप कर दें इस लेवल पे, क्लियर, इस लेवल पे जंप कर दें और यहां से पूरा ऊपर चले जाएं, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, और कितनी हाइट ऊपर जाएंगे, एच और डेल्टा एच, और ये फ्लूइड कौन सा है जिसका डेंसिटी जो है वो हमारा रो मैनोमेट्री है, रो मैनोमेट्रिक है, क्लियर, तो रो मैनो है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यानी माइनस का कितना ऊपर जा रहे हैं, एच प्लस का डेल्टा एच हाइट ऊपर जा रहे हैं, और यहां पर चलने पे ये हो जाएगा रो मैनोमेट्रिक एंड जी हो जाएगा, और उधर से हमारा जो प्रेशर लग रहा होगा ये होगा पी एटमॉस्फेरिक, ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम पी एब्सोल्यूट की बात करें, देखो सब कुछ अपने को नोन होता है, केवल अपने को यहां पर पुटअप करना होता है वाई प्लस जेड, और प्लस का ये हो जाएगा ए एच डिवाइडेड बाई कैपिटल ए एंड मल्टीप्लाइड बाई रो जी, एंड माइनस का ब्रेकेट में एच प्लस का डेल्टा एच, यानी कि ए एच डिवाइड बाई कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाई रो मैनोमेट्री या मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी इज इक्वल टू हमारा यहां से हो जाएगा पी ए टी एम। क्लियर, यहां पर सब कुछ अपने को नोन होगा, यहां से जो है वो अपना पी ए टी एब्सोल्यूट अगर अपने को निकालना है तो ये प्रेशर जो है वो अपने को मिल जाएगा, यानी ये प्रेशर हम यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये यहां से निकल आएगा दोस्त। तो ये सिंगल कॉलम का जो है वो वर्टिकल मैनोमीटर का केस हो जाएगा, सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर का केस हो जाएगा। देन अगर हम सिंगल कॉलम जो है वो इंक्लाइंड मैनोमीटर की बात करें, यानी इसका सेकेंड केस अगर हम देखें, सेकेंड केस यानी यहां से अगर हम लोग थोड़ा ऐसे बोलें कि सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर की बात करें, इंक्लाइंड मैनोमीटर तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जब वर्टिकल मैनोमीटर है तो हम इंक्लाइंड मैनोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं, जब वर्टिकल मैनोमीटर ऑलरेडी अपने पास है प्रेशर मेजरमेंट के लिए तो हम इंक्लाइंड मैनोमीटर क्यों प्रेफर करते हैं। दोस्त उसका जो रीजन होता है वो ये कि वर्टिकल मैनोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हम इंक्लाइंड मैनोमीटर को देखें तो इंक्लाइंड मैनोमीटर का जो लेंथ होता है वो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे स्केल जो है वो थोड़ी सी जूम हो जाती है, लेंथ ट्यूब की बढ़ती है तो स्केल जूम हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी रीडेबिलिटी होती है इंक्लाइंड मैनोमीटर की अगर हम कंपेयर करें ओवर द वर्टिकल मैनोमीटर, वो हमारी जो है वो बेटर होती है। अगर हम वहां पर कंपेयर करें तो जो उसकी रीडेबिलिटी होती है वो हमारी जो है वो थोड़ी सी अब बेटर होती है। फिर बट अगर हम इंक्लाइंड मैनोमीटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझे तो इंक्लाइंड मैनोमीटर में जो है एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर हम इंक्लाइंड मैनोमीटर के लिए जा रहे हैं तो इंक्लाइंड मैनोमीटर कितना ज्यादा एक्यूरेट है अगर हम कंपेयर करें किससे, या कितना ज्यादा मोर सेंसिबल है अगर हम कंपेयर करें किससे, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर से। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज समझना पहले ये अपना टैंक था या रिजर्वायर था, अभी मैं इसको जरा ओपन कर दे रहा हूं, इसको मैं जरा ऐसे ओपन कर दे रहा हूं, तो यहां पर जैसे बॉटम में लगा था तो बॉटम में फिर से अपन यहां पर यूज कर लेते हैं कोई इंक्लाइंड मैनोमीटर,
बॉटम में यहाँ पर लगा देते हैं, सपोज ये अपनी जो है ये अपनी ट्यूब है ऐसे कुछ, और यहां पर सपोज पहले से फ्लूइड हमारा कुछ डेप्थ तक फिल्ड है, जैसे पहले से हम लोगों ने फ्लूइड कुछ फिल कर रखा है, क्लियर। तो पहले से जो हम लोगों ने यहां पर फ्लूइड फिल कर रखा है वो सपोज इस पर्टिकुलर हाइट तक हम लोगों ने फ्लूइड को फिल कर रखा है, और ये जो है ये जो इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ ये हमने मान लिया सपोज इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो थीटा है। अब फिर से इस इंक्लाइन मैनोमीटर पे कुछ स्केलिंग होगी, ऐसे जैसे ऐसे स्केलिंग बनी होगी, ऐसे स्केलिंग बनी होगी, और इस ट्यूब का जो एरिया होगा ये हमारा ए होगा, और इसका जो एरिया होगा वो हमारा कैपिटल ए होगा, क्लियर। इसको हमने इंक्लाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सही से समझे अगर हम, तो यहाँ पर ये ओपन है, और ओपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो यहाँ प्रेशर लगेगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ये हमारा जो है वो पी एटीएम होगा, क्लियर। यहाँ पर पी एटीएम प्रेशर लगेगा, और यहाँ पर भी जो प्रेशर हमारा एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी जो प्रेशर हमारा लगेगा, यहाँ पर भी जो प्रेशर हमारा होगा ये पी आई एटीएम होगा, ये पी एटीएम हो जाएगा। तो ये इनिशियल में फ्लूइड हमारा कुछ फिल्ड था, जैसे ये इनिशियल में फ्लूइड हमारा ऐसे कुछ ट्यूब और इसमें जो है वो फिल्ड था, मैनोमेट्रिक फ्लूइड था मान लो, जिसका डेंसिटी जो है ये हमारा रो ऑफ मैनोमेट्रिक है। अब चाहे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दो या किसी उससे कनेक्ट कर दो पिछली बार की तरह, तो मान लो आपने ऐसे बोला सर यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज आपने डेल्टा पी अमाउंट से प्रेशर को बढ़ा दिया, तो अगर यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये लेवल जो है वो नीचे जाएगा, यानी ये सरफेस जो है वो इसमें फॉल करेगा, और इस ट्यूब में जो सरफेस होगा ये हमारा राइज करेगा, यहाँ पर जो है ये हमारा राइज होगा। यानी अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पर ड्रॉ करें तो जैसे थोड़ा और समझें, अगर तो जैसे ये अपना ट्यूब था, ये ट्यूब था, फिर ये थीटा एंगल से इंक्लाइन था, फाइनल डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो ऐसे कुछ इसमें हो गया, यानी इनिशियल जो था वो कुछ ऐसे था मान लो, इनिशियल ऐसे कुछ था, क्लियर। तो अभी फ्लूइड जो है वो कुछ ऐसे हो गया, इसमें डेल्टा एस फॉल हो गया, और इधर डेल्टा एच डेल्टा एल डिस्टेंस जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड सपोज आगे राइज हो गया। तो मान लो सपोज ये लेंथ जो है ये डेल्टा एल हो गई, ये लेंथ जो है वो डेल्टा एल हो गई, और यहाँ पर जो ये फॉल हुआ है ये अमाउंट जो है ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट जो है ये अपना डेल्टा एच है, तो ये अमाउंट अपना डेल्टा एच है, क्लियर। और ये डेल्टा एल हमारा इधर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है दोस्त, यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है वो पी ए टी एम प्लस का हमारा जो है वो डेल्टा पी है, और इधर से जो प्रेशर लग रहा है इस पे ये हमारा पी ए टी एम है, क्लियर। अब फिर से अगर हम इसके लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दें तो जितना ये हमारा नीचे फॉल होगा उतना ही इसमें राइज होगा, यानी कहने का मतलब है वी फॉल इन टैंक, वॉल्यूम जो फॉल होगा टैंक में उतना ही वॉल्यूम उधर राइज होगा ट्यूब में, वॉल्यूम राइज इन ट्यूब, उतना ही वॉल्यूम जो है वो ट्यूब में हमारा राइज होगा। तो कितना वॉल्यूम फॉल हो रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच हो जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जो है वो डेल्टा एच कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो है ये डेल्टा एच निकल आएगा। अब अगर हम यहाँ से जैसे ये अपना फाइनल पॉइंट हो गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से और अगर ट्यूब के टॉप एंड पॉइंट तक अगर हम लोग चले जाएं और देखें, मान लो यहाँ से जैसे यहाँ से
यहाँ से ट्रेवल करते हुए अगर हम पूरा यहाँ तक चले जाएं, यहाँ तक इस पर्टिकुलर लेवल तक चले जाएं और अपने प्रेशर को लिख लें, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? जैसे वहां पर अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो होगा वो एटीएम प्लस का जो है वो डेल्टा पी हो जाएगा। क्लियर, ये प्रेशर हो गया। एंड यहाँ से देखो डायरेक्ट हम लोग जम्प कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है वो जम्प कर सकते हैं, और ये हाइट जो है वो डेल्टा एच ऑलरेडी हम लोगों ने मान रखा है, और ये वाली जो हाइट होगी ये हाइट अपनी हो जाएगी दोस्त, ये वाली जो हाइट होगी ये हो जाएगी डेल्टा एल असाइन अटीटा, ये हाइट हो जाएगी डेल्टा एन साइन डीटा, और ये डेल्टा एस हम लोगों ने मान रखा है। तो यहां से अगर निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर आप यहां से देखोगे तो जैसे ये हमारा हो जाएगा, यहां से जैसे आपने यहां पर जम कर दिया, यहां से यहां जम कर दिया, देन ऊपर तक पूरा जाना है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर तक जाने के लिए माइनस लिखोगे, एंड माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस प्लस का डेल्टा एल असाइन अटीटा, डेल्टा एल साइन टीटा, एंड ये हो जाएगा रो इंटू जी, रो इंटू जी इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा पी ए टी एम। क्लियर, अब यहां से देखो एटीएम एटीएम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा डेल्टा पी जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा एच प्लस का डेल्टा एल असाइन थीटा, डेल्टा एल साइन थीटा, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा रो अच्छी, ये हो जाएगा, या यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डेल्टा एच जो है ये हो जाएगा डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, एंड प्लस का जो है ये हो गया डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा रो जी। तो अगर हम लोग यहाँ से जो है वो डेल्टा एल कॉमन ले लें, तो मान लो डेल्टा एल हम लोगों ने कॉमन ले लिया, डेल्टा एल रो जी हो गया, और यहाँ पे बचेगा ए अपान कैपिटल ए, एंड प्लस का यहाँ पर दोस्त बचेगा साइन अटीटा, ये बचेगा। तो ये जो भी डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस होगा वो यहाँ से हमारा इंक्लाइन मैनोमीटर से मेजर हो जाएगा, इंक्लाइन मैनोमीटर से यहाँ से मेजर हो जाएगा, जो भी एक्सेस प्रेशर आप वहां पर बढ़ाओगे या जिस पाइपलाइन को कनेक्ट करोगे उसका गेज प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा जैसे यहाँ से और समझे दोस्त हम लोग, तो यहाँ से जैसे थोड़ा सा और देखें हम लोग, तो और क्या होता है जैसे थोड़ा सा और समझे, तो जैसे एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोले सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर, मैनोमीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। अब ये हमारा क्या होता है ये थोड़ा सा अपने को समझना है। देखो जैसे वर्टिकल मैनोमीटर होगा तो सपोज हम इससे मेजर करेंगे एच से, और इंक्लाइन मैनोमीटर है तो हम कौन सी डिस्टेंस से लेंस से मेजर कर रहे हैं एल से, यानी ये जो डिस्टेंस है ये जो स्केल है ये वर्टिकल में है और ये इंक्लाइंड में है, तो स्केल देखो अपनी बढ़ गई सेम एलिवेशन के बीच, अगर हम लोग देखें सेम वर्टिकल डिस्टेंस के बीच, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये थीटा है, तो ये मान लो हमारा एच हो गया। तो यहां से अगर मैं ऐसे बोलूं कि साइन थीटा अपना क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एल, या मैं एल अगर पूछूं तो एल हो जाएगा वन बाई साइन थीटा, साइन थीटा, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा एच। अब देखो यहां से थोड़ा सा देखो, यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से देखो पहले तो यहां पर ये हमारी इनिशियल लेंथ थी एच, और ये हमारी फाइनल लेंथ हो गई, यानी हमारी जो स्केल है वो 1 बाई साइन थीटा अमाउंट से जो है वो मॉडिफाई हो गई, 1 बाई साइन थीटा अमाउंट से जो है वो स्केल जो है वो मॉडिफाई हो गई। तो 1 बाई साइन थीटा फैक्टर इज नोन एज अ सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल एस। क्लियर, तो ये हमारी सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी, और यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन अटीटा, तो ये सेंसिटिविटी निकल के आ जाएगी दोस्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे यू ट्यूब मैनोमीटर की, तो यू ट्यूब मैनोमीटर पहले सिंपल देख लेते हैं एंड देन डिफरेंशियल। तो यू ट्यूब मैनोमीटर की अगर हम लोग बात करें, यू ट्यूब मैनोमीटर,
क्लियर। तो यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा ये पहले हम लोग समझ लेते हैं एंड देन फिर डिफरेंशियल की बात करते हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर से जैसे या तो हम गेज प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे या तो वैक्यूम प्रेशर को। तो मान लो सपोज पहले जो है मैं गेज, अब प्रेशर की बात करूं, अगर गेज अ प्रेशर यानी पी ऑफ द गेज, मान लो किसी पॉइंट की अगर अपने को गेज प्रेशर को निकालना है और यूट्यूब मैनोमीटर को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लो सपोज ये कोई पाइपलाइन है, ये कोई पाइपलाइन है जिसमें अपने को प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जैसे हमारा फ्लूइड हो गया, ये जैसे हमारी पाइपलाइन हो गई, तो इसमें हमारा जो है कोई फ्लूइड है, मान लो सपोज कोई फ्लूइड है जिसका डेंसिटी जो है वो हमारी रो है, और मान लिया यहाँ पर जो है वो कोई पॉइंट है, मान लो सपोज ए पॉइंट है यहाँ पर पाइपलाइन में, और वहां का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये हमारा पी ए एब्सोल्यूट है, और ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लार्जर देन है पी ऑफ द एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो लार्जर है। अब देखो यहां से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ऐसे कुछ निकल के आ जाएगा, यूट्यूब मैनोमीटर यहां से अगर हम लोग इसमें कनेक्ट कर दें, यूट्यूब मैनोमीटर अगर हम लोग यहां से कनेक्ट कर दें, सपोज ऐसे कुछ हमारा ये है, ये हमारा ऐसे कुछ, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें जैसे, तो मान लो इनिशियल हमारा कुछ ऐसा सरफेस है यूट्यूब में, यूट्यूब मैनोमीटर जो है, तो यहां पर ये हमारा कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मान लो सपोज ये कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये सपोज मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये सपोज कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और इसमें हमारा ये फ्लूइड जैसे फैल था, तो ये रो डेंसिटी वाला फ्लूइड है, रो डेंसिटी वाला फ्लूइड, रो डेंसिटी वाला फ्लूइड। कुछ पॉइंट यहाँ पर लोकेट कर देते हैं, थोड़ा आसानी होगा समझने में। तो ये पॉइंट जो अपना है ये मान लो सपोज बी है, यहाँ पर ये लोकेट कर दो अगर मैं सी है, तो ये हमारा जो है मान लो इनिशियली डी है, ये इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल, ये इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल। तो इधर से जो इसमें प्रेशर एक्ट करेगा दोस्त वो हमारा कितना होगा, इज अ पी एटीएम हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इधर से अगर प्रेशर देखा जाए तो यहां पर प्रेशर एटीएम से ज्यादा है और यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, एटीएम से ज्यादा होगा। अब और कुछ डिस्टेंस नीचे चलोगे तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, और यानी इस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देखोगे तो जो है वो प्रेशर जो होगा वो एटीएम से लार्जर होगा। तो यहां पर अगर आप आर्म में, दोनों आर्म में अगर आप डिफ्लेक्शन की बात करोगे दोनों आर्म में, तो इस आर्म में जो है वो फ्लूइड नीचे जाएगा, यानी इसमें जो है वो ड्रॉप होगा मेनिस्कस जो है लेवल, और इसमें जो है वो हमारा मेनिस्कस जो है वो राइज करेगा, यानी इसमें जो है इस वाले ट्यूब में देखोगे तो राइज ऑफ फ्लूइड होगा, राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इधर हमारा राइज देखने को मिलेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, और इधर जो होगा वो ड्रॉप ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यानी लेफ्ट आर्म में ड्रॉप होगा एंड राइट आर्म में जो है वो राइज होगा, ड्रॉप ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ड्रॉप ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ड्रॉप ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इसमें अपना ड्रॉप हो जाएगा और उधर अपना राइज हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम फाइनल डायग्राम बनाएं तो फाइनल डायग्राम दोस्त कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अगर फाइनल डायग्राम यहां पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो फाइनल डायग्राम जैसे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये अपने कुछ फाइनल देखने को मिलेगा यहां पर। तो यहां पर जो पॉइंट था, ये पॉइंट जो था वो अपना ए पॉइंट था,
फिर यहाँ से जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो ये जो अपना पॉइंट था ये बी पॉइंट था, इधर फ्लूड हमारा फॉल कर जाएगा और इधर हमारा फ्लूड जो है वो राइज कर जाएगा। फिर इधर जो फ्लूड होगा वो फॉल कर जाएगा और इधर जो है वो हमारा राइज करेगा, फिर राइज कर जाएगा। तो मान लिया सपोज फॉल एंड जो राइज हमारा हो रहा है, क्लियर, तो जो फॉल या जो हमारा राइज जो हो रहा है उसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग समझें, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर समझें तो इधर हमारा कैसे होगा, जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा इधर फॉल हुआ है और इधर जो राइज हुआ है, क्लियर, तो मान लिया सपोज ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये मान लो सपोज एक्स हो गया और ये सपोज जो है ये अपना वाई हो गया, ये अपना सपोज जो है वो वाई हो जाएगा, ये सपोज अपना एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये जो है ये सपोज अपना वाई हो जाएगा वाई। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें जो है वो रो डेंसिटी का फ्लूइड हमारा पूरा का पूरा फेल हो गया, जैसे इसमें जो है वो रो डेंसिटी का फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर फेल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझे तो इसमें रो डेंसिटी का फ्लूइड पूरा का पूरा जैसे फेल हो गया और इधर जो फ्लूइड हमारा है इसका जो डेंसिटी है ये हमारा रो मैनोमेट्रिक है। अब देखो ये पॉइंट अपना बी था, अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ सी है और यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ कहीं लेवल पे अपना डी है, इस लेवल पे पॉइंट मान लेता हूं सपोज अपना क्या है ई है, ई है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जैसे यहां पर प्रेशर यहां से अगर हम चलना शुरू करें मूव करना तो इसके क्रॉस हम ई पॉइंट तक आ जाएं और इधर जो प्रेशर हमारा लग रहा है वो हमारा पी एटीएम है। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने ट्रेवलिंग मेथड को यूज करें और एक चीज ये याद रखें, मान लो सपोज किसी लेवल पे अगर हम हैं तो उस पर्टिकुलर लेवल से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा प्रेशर जो होगा वो हमारा बढ़ेगा, प्रेशर जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीजेस, हम ये बोल सकते हैं प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। और अगर उस लेवल से अगर हम लोग नीचे जाएंगे, उस लेवल से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो अपना डिक्रीज करेगा, यानी ये हम ये बोल सकते हैं डिक्रीजेस, क्लियर। तो ये हमारा अगर हम उस लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो अपना इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा अगर हम कहीं ऊपर जाने लेवल से। और अगर हम जो है एक सेकंड दोस्त ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, वन सेकंड, ओके। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर खड़े हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो प्रेशर जो है वो अपना डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, क्लियर। ये सब हम लोगों ने हाइड्रोस्टेटिक लॉ में डिस्कस किया था। और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर जो होगा वो अपना बढ़ेगा, वो जो है नीचे जाएंगे तो अपना जो है वो इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा, देखो ए पॉइंट पे है जब तो वहां का प्रेशर कितना है अपना पी ऑफ एब्सोल्यूट है। अब अगर हम ए से बी तक जाएं, ए से बी तक जाएं तो हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, कोई प्रेशर में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ए पे हैं तो कोई चेंजेस, ए प्रेशर पी ए है, बी तक चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, कोई प्रेशर में चेंज नहीं होगा। देन देखो बी से हम नीचे जा रहे हैं, इस लेवल से हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस मूव करें, प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो पहले तो प्लस होगा पॉजिटिव होगा ऐड होगा, और कितना डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं, एक्स प्लस वाई डिस्टेंस जो है वो हम लोग नीचे जा रहे हैं। और कौन से कॉलम में हम लोग नीचे जा रहे हैं, रो ऑफ द फ्लूइड जो अपना है, रो ऑफ फ्लूइड एंड मल्टीप्लाइड बाई अस्सी हो जाएगा। तो हम लोग आ गए इस पॉइंट अस्सी पे, हम लोग आ गए इस पॉइंट सी पे। अब इस सी पॉइंट से जो है वो अपने को मूव करना है या जंप करना है डी पॉइंट तक। यहां पर मान लो सपोज अपने को जंप करना है तो हमने जंप कर दिया, तो जैसे इधर नीचे में आऊंगा तो प्रेशर अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर इधर चलूंगा तो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होगा,
ऊपर चलूंगा तो प्रेशर अपना क्या हो जाएगा सेम अमाउंट से नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट अपन क्या कर दे, जंप कर दे। तो यहां से आप लोगों ने जंप कर दिया और डी से अपने को जाना है ई तक, तो ऊपर चलोगे तो नेगेटिव होगा तो माइनस कर दिया। और कितने डिस्टेंस ऊपर जाना है अपने को, वाई। कौन से फ्लूइड में जाना है, रो, मैनोमेट्रिक, जी हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो अपना प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी ऑफ द एटीएम, ये हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे यहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अपना प्रेशर है वो अपना पी एटीएम हो जाएगा। अब एटीएम को हम इधर ले आए जैसे, तो ये हो जाएगा पी ऑफ द एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा P of absolute, माइनस का अगर इसको हम लिख लें तो ये हो जाएगा P of the ATM is equal to, ये हमारा बन जाएगा A point का अगेंस a value, ये हमारा A point का अगेंस बन जाएगा। और is equal to, सबको उधर भेज दो तो सब उधर जाएंगे, तो ये Y रो ऑफ द मैनोमेट्रिक बन गया एंड G, एंड माइनस का ये हो जाएगा X प्लस का Y। क्लियर? एंड ये रो ऑफ द फ्लूइड एंड G हो जाएगा। अब यहां से देखो अपना गेज प्रेशर जो वहां कैलकुलेट करना था वो निकल आएगा। सिमिलरली हम लोग जो है वो वैक्यूम प्रेशर को भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली जो है वो हम लोग वैक्यूम प्रेशर को भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग वैक्यूम प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर हमारा क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर। अब देखो वहां पर अगर हमारा ट्यूब उसमें पाइपलाइन में अगर वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर यानी इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड फिल्ड है, जो फ्लूइड फिल्ड है इसके अंदर, जो फ्लूइड फिल्ड है इसके अंदर हमारा, इसका जो हमारा प्रेशर है, ये मान लो सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट का जो प्रेशर हमारा है ये मान लो सपोज ये पी ए एब्सोल्यूट है, पी एब्सोल्यूट, एंड दैट पी एब्सोल्यूट इज अ ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है पी एब्सोल्यूट किससे, सॉरी या वैक्यूम कंडीशन अगर है तो ये लेस हो जाएगा, यानी ये जो हमारा वन सेकंड, ये जो प्रेशर है यहाँ का ये लेस देन हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी वहां पर जो कंडीशन है वो वैक्यूम कंडीशन है। वैक्यूम कंडीशन एट अ पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वैक्यूम कंडीशन है और उसी ए पॉइंट के वैक्यूम प्रेशर को अपने को निकालना है, इस ए पॉइंट के वैक्यूम प्रेशर को जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे यहां पर कनेक्ट कर दिया, अगेन फिर से वो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लेके आए, वो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लेके आए और यहां पर जो है वो कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? आप देखो इस आर्म में जो है, जैसे यहां पर देखोगे आप तो यहां पर प्रेशर एटीएम से कम है, तो यहां पर फ्लूइड जब हमारा फिल्ड होगा तो बी पॉइंट पे जब आप आओगे, यहां पर कहीं बी पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पे भी जो प्रेशर होगा यानी पीबी जो होगा बी पॉइंट पे, ये भी हमारा लेस देन जो है वो एटीएम होगा, ये भी हमारा लेस देन एटीएम होगा। क्लियर? तो आप अगर इस आर्म में देखोगे तो कितना भी नीचे, इतना लेंथी आर्म नहीं है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो लेफ्ट वाली आर्म में है वो हमारा प्रेशर जो है वो एटीएम से कम रह जाता है, यानी वैक्यूम कंडीशन रह जाती है। तो इधर अब हमारा राइज हो जाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, और इस वाली आर्म में जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो है वो फॉल हो जाएगा। तो अब हम इधर अगर देखें तो इधर हमारा फ्लूइड का राइज होगा और इधर मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो है वो फॉल हो जाएगा। तो अब हम फिर से वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन बनाने नहीं जा रहे, अपन डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं। तो इधर जो है वो मान लो राइज हो गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, और इधर जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो है वो फॉल हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ निकल के आ जाएगा। क्लियर? और ये वाला जो वैल्यू होगा, ये सपोज अपना एक्स वैल्यू हो गया, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये मान लो सपोज अब वाई हो गई, ये मान लो सपोज अब वाई हो गई। क्लियर?
और यहाँ पर जो है ये हमारा फ्लूइड हो गया, जैसे ये फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा था जिसका डेंसिटी हमारी रो एफ है, और इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो हमारा रो ऑफ अ मैनोमेट्रिक है, क्लियर। और इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है ये हमारा रो ऑफ द फ्लूइड है। अब फिर से सारे पॉइंट अगर हम लोग इंडिकेट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये बी हो गया, ये पॉइंट जो यहाँ पर होगा ये सी हो जाएगा, और मान लेते हैं जैसे यहाँ तक ये पॉइंट जो होगा ये हमारा डी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये हमारा ई हो गया। और इधर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, इधर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये हमारा जो है वो पी ऑफ ए टी एम हो जाएगा, पी ऑफ ए टी एम। तो अब अगर हम यहाँ से लेके इधर इस आर्क तक जाएं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए जो है, पी ऑफ ए यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो ए पॉइंट पे है, क्लियर। एंड बी तक अपने को कुछ नहीं मिलेगा, देन बी से हम कहाँ तक, सी तक पहले नीचे आएंगे, एंड देन इस मैनोमेटिक फ्लूइड में तो प्लस का जो है वो एक्स डिस्टेंस नीचे आएंगे, रो ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये हम लोग आ गए सी पॉइंट तक, देन फिर से अपने को और नीचे आना है तो वाई डिस्टेंस और नीचे आएंगे एंड रो ऑफ द मैनोमेट्रिक, और ये यहाँ पर हो जाएगा जी। तो हम लोग यहाँ तक आ गए, यानी हम लोग डी पॉइंट तक आ गए, यानी हम लोग आ गए एट डी। देन उसके बाद डी से अपने को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट जंप लगा दो ई पे, तो डायरेक्ट जंप लगा दो कि जितना नीचे आओगे आप, जितना नीचे आओगे प्रेशर हमारा प्लस होगा, उतना ही आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर आपका जो है वो निगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो इधर हमारा प्रेशर जो आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा एटीएम। अब अपने को वैक्यूम निकालना है, तो ये पीए पीएटीएम से की तरफ ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा पीएटीएम माइनस का जो है वो पीए ऑफ एब्सोल्यूट हो जाएगा एब्सोल्यूट, और ये अपना बन जाएगा ए पॉइंट का वैक्यूम कंडीशन, ये अपनी बन जाएगी ये पॉइंट की वैक्यूम कंडीशंस। और ये हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये एक्स रो ऑफ द फ्लूइड इनटू सी, एंड प्लस का ये हो जाएगा प्लस का वाई रो ऑफ द मरकरी, वाई रो ऑफ द मरकरी मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा अपना जी। तो ये अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा, ये यहां से अपना वैक्यूम प्रेशर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वैक्यूम अप प्रेशर ये यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। देन नेक्स्ट, अब देखो यहां से छोटा सा यूट्यूब मैनोमीटर से छोटा सा क्वेश्चन आप पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा अपन समझते हैं, क्लियर। यहां से क्या पूछा जाता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं, क्या पूछा जाता है वो थोड़ा सा हम लोग यहां से देखते हैं। चलो क्या पूछा क्या जाता है, जैसे यहां पर जो है मान लो सपोज एक अपना मैनोमीटर है, सपोज ऐसे कुछ अपना एक यूट्यूब मैनोमीटर है, एक यूट्यूब मैनोमीटर है, ऐसे कुछ यूट्यूब मैनोमीटर है, तो इनिशियली जो है वो दोनों आर्म का, अच्छा दोनों आर्म का जो एरिया है वो हमारा सेम है, इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है ये स्मॉल ए है, इस आर्म का भी जो एरिया है ये हमारा एरिया जो है ये हमारा स्मॉल ए है, क्लियर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों आर्म में जो अपना मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड है ओपन आर्म है, दोनों ओपन आर्म है, तो दोनों में जो हमारा प्रेशर होगा वो हमारा पी ए टी एम होगा, यानी इधर से भी अगर आप देखोगे तो इधर से जो अपना प्रेशर लग रहा होगा ये हमारा पी ए टी एम होगा, पी ए टी एम, और इधर से भी जो हमारा प्रेशर लग रहा होगा ये हमारा पी ए टी एम होगा, यानी इधर से भी जो अपना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं कि इस आर्म से, ऐसा ये इनिशियल लेवल है, मान लो सपोज ये जो है ये अपना इनिशियल लेवल है, ये जो है ये अपना जो है वो इनिशियल लेवल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस वाली आर्म में
कुछ फ्लूड यहाँ से हम लोग फॉल कराते हैं, जैसे यहाँ से कुछ फ्लूड जो है वो हम लोग फॉल कराते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने किसी एक फ्लूड को फॉल कराया, मान लो सपोज कोई एक फ्लूड है जिसको हम यहाँ से फॉल करा रहे हैं, और जिस फ्लूड को हम फॉल करा रहे हैं इसका वॉल्यूम जो है वो वी अमाउंट हम यहाँ फॉल करा रहे हैं, डेंसिटी जो है इसकी रो है। तो उस फ्लूड का हाइट कितना हो जाएगा जो आप यहाँ फॉल कराओगे, हाइट हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो है इस ट्यूब का एरिया, स्मॉल ए, इस ट्यूब का एरिया हो जाएगा, इस ट्यूब का एरिया, क्लियर, स्मॉल ए हो जाएगा, क्लियर, ये एरिया हो जाएगा हमारा एच, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं, क्लियर। एंड देन फिर जब हम यहां पर देखेंगे इसका फाइनल डायग्राम, अगर हम लोग यहां से बनाए इसका, तो इसका फाइनल डायग्राम जो बनेगा इस वाली आर्म में हमारा जो है वो फॉल कर गया, इस वाली आर्म में मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो राइज कर गया, ऐसे कुछ मान लो सपोज ये हो जाता है। और ये हमारा इनिशियल लेवल था, ये हमारा जो है वो इनिशियल लेवल था, ये अपना इनिशियल लेवल था। तो मान लो सपोज ये वाई डिस्टेंस जो है वो नीचे आता है, वाई डिस्टेंस से नीचे आएगा, और वाई डिस्टेंस जो है ये जो है वो ऊपर जाएगा, वाई डिस्टेंस, और यहां तक इसमें हमने जो है उस फ्लूइड को जो है वो फॉल कराया है, और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं सपोज एक्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, क्लियर। और इधर से भी प्रेशर जो हमारा लगेगा वो पी एटमॉस्फेरिक लग जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक, और इधर से भी जो प्रेशर लगेगा वो हमारा पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम प्रेशर बैलेंस की इक्वेशन लिखने चाहें तो प्रेशर बैलेंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा पी एडीएम प्लस का एक्स एंड रो एंड जी, और यहां तक हम लोग आ जाएंगे यहां तक, फिर यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर देंगे और ऊपर चले जाएंगे, तो ये माइनस का टू वाई एंड रो ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी इज इक्वल टू हमारा जो है ये पी एटीएम हो जाएगा, यानी एटीएम से एटीएम जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स मल्टीप्लाइड बाय रो इज इक्वल टू हो जाएगा टू वाई रो ऑफ मैनोमेट्रिक, या यहां से वाई जो निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा वाई। अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो y क्या निकल के आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाय रो ऑफ द मैनोमेट्रिक, क्लियर, एंड x डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा निकल आएगा, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अब देखो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्लूइड इनिशियल लेवल से कितना डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट या राइट कॉलम में, इनिशियल लेवल से। तो अगर इनिशियल लेवल से पूछेगा तो वो वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, वाई की वैल्यू, और अगर वो पूछेगा कि दोनों आर्म में रिलेटिवली कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, तो इस आर्म में जो है वो हम लोग वाई नीचे गए और इस आर्म में जो है हम लोग वाई ऊपर गए, तब अपना कितना हो गया डिफ्लेक्शन, टू टाइम्स ऑफ वाई हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन वो पूछता है कि सिंगल कॉलम में कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, सिंगल कॉलम में इनिशियल उसके रेस्पेक्ट में, जैसे ये इनिशियल लेवल था, तो इनिशियल लेवल के रेस्पेक्ट में ये वाई नीचे आया और इधर वाई जो है ये अपना नीचे आया, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में हमारा जो वो देखने को आपको मिलेगा वो y अमाउंट से मिलेगा। और अगर पूछेगा दोनों कॉलम में कितना हुआ, तो इसमें जो है देखो माइनस वाई का अमाउंट है और इधर जो है वो प्लस वाई का अमाउंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर,
टू टाइम्स अब वाई हो जाएगा, और एक में देखोगे तो क्या होगा, केवल वाई हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके दोस्त, तो ऑलमोस्ट आपका टाइम हो गया है, वन आवर हो गया है। एक छोटा सा केस यहाँ से डिफरेंशियल मैनोमीटर का बचा हुआ है और एक इन्वर्टेड मैनोमीटर का केस बचा हुआ है, और फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं प्रीलिम के अकॉर्डिंग कि कौन सा मैनोमीटर हम कहाँ पर यूज करते हैं दोस्त। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी से बाइंड अप करके फिर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ अबॉयंसी, क्लियर। और अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है तो अनअकैडमी प्लस पे आइए कभी, क्लियर, वहां पर थोड़ा सा देखिए कैसे होता है, वहां पर स्पेशल क्लासेस भी जैसे हो रही हैं, तो वहां पर आइए और वहां पर अपन डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर। एंड अगर वहां सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ आपको प्रॉब्लम होता है या जैसे कुछ इशू है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर देना 7442604। एंड जो मेरा कोड है ये AMYT है, अमित मौर्या यूट्यूब, क्लियर। तो फिर आज का लेसन यहीं पर बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे फोर्सेस ऑन अ हाइड्रोस्टैटिक प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस। ओके दोस्त, चलो तो आज का सेशन फिर यहीं पर अपन बाइंड अप करते हैं। ओके दोस्त, थैंक यू। एंड बहुत सारे बच्चों ने अभी अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, जस्ट वन मिनट, तो अनअकैडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। एंड जो लाइव क्लासेस के लिए जो है वो आप बेल का जो नोटिफिकेशन है इसको आप प्रेस कर दो, क्योंकि जैसे आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करोगे तो लाइव क्लासेस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत बोलना, और अपने दोस्तों को थोड़ा बोलिए मैक्सिमम लोग यहाँ जुड़े हैं, तो जिससे अपन और थोड़ा सा एनर्जी के साथ एंथुसियाज्म के साथ चीजों को देखें। ओके चलिए, अगेन लेट्स क्रैक गेट एंड यूएससी ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।